कोतवाली पुलिस ने महिला एसआई के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को गुमराह करने के मामले में ईसागढ़ तहसील के ग्राम डुंगासरा निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी दीपक रघुवंशी ने महिला उप निरीक्षक पूजा गोरैया के फोटो अपलोड करते हुए जगह जगह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। इसकी जानकारी लगने के बाद महिला एसआई ने एक लिखित आवेदन के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद सही साइबर सेल फर्जी आईडी की सर्चिंग करने में जुट गई थी। बाद में ये पता चला कि आरोपी इस आईडी को मिसयूज कर रहा है। बीते रोज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। इधर एसपी ने लोगों से अपील की है कि वह सोशल मीडिया का उपयोग सावधानी पूर्वक करें और किसी भी व्यक्ति को अपना यूजर नेम और पासवर्ड न बताएं। महिला सब इंस्पेक्टर के फोटोग्राफ वगैरह जो है एक फर्जी फेसबुक आईडी बना के उसके अंदर फोटोग्राफ इस्तेमाल करके जो है वो गलत कामों के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जिसके अंदर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था। उस व्यक्ति को भी आज हमने गिरफ्तार करके दीपक रघुवंशी करके आरोपी है, जिसको आज गिरफ्तार किया है और उसको आज न्यायालय में पेश करेंगे। सर, ये महिला इंस्पेक्टर कहाँ पदस्थ है? महिला इंस्पेक्टर जो है वो थाना कोतवाली में पदस्थ है। सर, उद्देश्य क्या था दीपक रघुवंशी का जो आईडी, उसमें पूर्व सीएम का फोटो भी लगा हुआ है, जो फोटो शेयर किए हैं शिवराज सिंह चौहान का, उसे बेसिकली उद्देश्य तो ऐसे ही जो है वो दोस्तों के साथ में बैठ के आईडी बना लिया, किसी लड़की का फोटो लगा के और किसी फेसबुक पे जो चैट वैट करते आजकल सोशल मीडिया पे, तो इसी तरीके को चैट कर लिया। तो जस्ट फॉर फन टाइप का जो है उसका बोलना है कि इस तरीके से बनाया था, और अभी वो भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं।